किसानों तो बाद हुण टैक्सी चालक ते मालक 22 फरवरी जंतर मंतर ते धरना लगाउण जा रहे हैं। उन्हां दा कहना है कि ट्रांसपोर्ट संबंधी नवे कानून कारण तबाह हो जाएगा। पूरे भारत विचों सोमवार नूं टैक्सी चालक ते मालक दिल्ली जंतर मंतर रोष प्रदर्शन करन जा रहे हैं। टैक्सी चालक यूनियन दे इस आगू शरणजीत सिंह कलसी दा कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए नवे कानून उन्हां दे खिलाफ हन अते नवे कानून किते ना किते कारपोरेट घराणिया नूं फायदा देण लई बनाए गए हैं। कलसी ने कहा कि एक पासे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर दी गल करदे ने, दूजे पासे टैक्सां दे नां ते आत्मनिर्भर लोकां तो रोटी खोही जा रही है अते इन्हां नाल उन्हां दा कारोबार तबाह हो जाएगा। यह 22 तरीक दा प्रोग्राम जिहड़ा वा जी संयुक्त संबंध समिति भारत एक मोर्चा बनाया गया जिस दे संबंध च पूरे इंडिया लैवल तो टैक्सी मालक ते चालक उत्थे जंतर मंतर ते पहुंच रहे आ। प्रोटेस्ट जिहड़ा 11 बजे तो लैके 4 बजे तक उत्थे चलूगा। सरकार दीयां गलत नीतियां ते ट्रांसपोर्ट विभाग की अनपढ़ता करके ये जिहड़ा टैक्सी ऑपरेटर नूं फाहे लाउण ते तुरी सरकार ते वड्डियां कंपनियां नूं लिआउण ते तुरी होई आ ते एक गरीब लैवल नूं खत्म करन ते तुरी आ। उस दे संबंध च जिहड़ा ये 2017 तो असीं भेज रहे हां ऑब्जैक्शन ला ला वी इह पॉलिसी जिहड़ी तुसीं लै के आ रहे हो इहदे च जिहड़ा आम लोक आ जां आम टैक्सी टूरिज़म नाल गरीब मध वर्ग जुड़िया होया वो खत्म हो जूगा, लेकिन सरकार इन्हां नूं मारन ते तुरी हुई आ। बैंकां दे साडे ते करजे ने लोन ने, पर सरकार दी गलत नीति ट्रांसपोर्ट विभाग दी अनपढ़ता दा शिकार होण जा रहे आ टैक्सी ऑपरेटर। देखो जी 9 सीटां सरकार ने 3 कैटागरियां रखियां, 9 सीटर 23 सीटर जां 23 तों उपर। 9 सीटां वाले नूं टैक्स लाता 25,000 रुपया, 23 सीटां वाले नूं टैक्स लाता 75,000 रुपया ते स्टेट दा लग देना NP परमिट की फीस लाती है। जी NP परमिट की जी 600 रुपया फीस सी NP परमिट की, वह सीधा चक के जे तुसी जबरी वसूली करो लोगों जेबां चो 25,000 दो जां उदू उत्ते 75,000 दो ते गरीब लोग जिहड़े पहलां करजे की मार करोना की मार डीजल तुसी देख लो भी कच्चा तेल की रेट आ रहा ते सरकार की रेट बेच रही आ। असी रिमाइंडर भी भेज रहे हां, इस तों बड़ी नमोशी की गल साडी पंजाब सरकार कन्नियों कोई भी ये ते ऑब्जैक्शन जां कोई भी ये ते रिटर्न च भेजिया नहीं गया। बिल्कुल जी असी सब तो सुझाव मंगे गए इस गाइडलाइन के बारे, सुझाव दो 2017 तो असी सुझाव दे रहे हैं। तो रिमाइंडर की जे मैं गल करा बड़ी नमोशी की गल लिखती सद्दा सी, लिखती सद्दा जिन्हों कहने 19/1/2021 लिखती सद्दा सी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब ट्रांसपोर्ट सैकटरी तो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ये तिने लिखती सद्दे के बावजूद भी दिल्ली मीटिंग शामिल नहीं हुए, ना कोई ऑब्जैक्शन भेजिया भी तुम ये देख लो भी 4 सीटा 6 सीटा या 12 सीटर नू भी इको फ्लैट टैक्स लाता जिदे नाल लोग जिहड़े बैंकां दे करजे जां बैंकां ने यह गड्डियां इन्हां तों लैके जाणियां ने। की मंग करदे? मंगा ये नेगियां साडियां इहनू जिहड़ा इहदे ते GST नंबर टैन नंबर हटाए जाण। दूजी जिहड़ी मंग आ इहनू पर सीट दे हिसाब नाल कीता जावे, इह नहीं भी तुसीं फ्लैट टैक्स लाता 25,000 75,000 बस नूं 3 लख। बसां वालिआं नूं तां फायदा, वड्डे जिहड़े वड्डे ट्रांसपोर्टर ने उहनां नूं फायदा। एक गरीब बंदा जिहड़ा एक पासे तां देश दे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होण दीआं गल्लां कर रहे आ, दूजे पासे उहनां तों आत्मनिर्भर होए लोकां तों इह रोटी जिहड़ी खोही जा रही आ जबरी टैक्सां दे उत्ते। पूरे पंजाब दे पूरे ऑल इंडिया दे उत्ते आ इह टैक्स, जे पर सीट दे उत्ते लाया जावे ਤਾਂ ਕਿ 4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 9 ਸੀਟ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2007 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਸਟਮਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਟਰਾਈਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਹੈਗਾ,
तो जी एस टी नंबर कौन लूगा जी? एक बंदा सी ए पढ़ता तो जानते नहीं गूठा छा बंदा, तो उसने तुम कहने भी पैन कार्ड नंबर दूजा लवे जी एस टी तो कितों लेगा जी? वो सारा कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इन सरल किया जाए सौखा किया जाए तरीका जिन्ना किता, पर जो टैक्स है टैक्स बहुत नजायज़ है, क्योंकि टैक्स के एक 9 सीटा तक एको टैक्स लग्या गया, 4 सीटर भी उही पै रहा, 9 सीटर भी उही पै रहा, यह पर सीटर 23 सीटर भी उही पै रहा, पर लेकिन उन्होंने पर सीटर किया जाए, जो 4 सीटर उन्होंने 4 सीटर न किया जाए, 9 9 न किया जाए, तो 7 7 न किया जाए। जी पूरे ऑल इंडिया तो पहुँचे जी, साढ़े पूरे ऑल इंडिया मीटिंग हो चुकी है, सारे सारी जगह तो जाएंगे, जंतर मंत्र के 22 तरीक न असी प्रोटेस्ट करांगे जी, भी गवर्नमेंट नूं जगाउण दी कोशिश करांगे। जो सुत्ती पई आ असी 2017 तो इन्होंने रिमाइंडर करते आ रहे हैं, तो साड़ी कोई नहीं सुन रही जी सरकार, असी बहुत परेशान इस तों कि असी तो चलो चला रहे, जिहड़े अनपढ़ बंदे उह किवें काम करनगे जो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी नवीं नवीं पा रही सानूं। परत शर्मा दी रिपोर्ट, द समर न्यूज़। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं, सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं, ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।